सो हेलो बच्चों वन शॉर्ट एन की हमारी जो सीरीज थी जिसमें हम लोग एक लेक्चर में हमारा एन को फोकस करते हुए एक चैप्टर कवर कर रहे थे ठीक है तो ये हमारी एक क्रैश कोर्स के जैसी सीरीज है और इस सीरीज में हम लोग आ गए थे अपने अगले पार्ट में इस सीरीज का हमारा अगला माइलस्टोन और इस माइलस्टोन में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे कॉकरोच ठीक है हम जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स की बात करते हैं तो उस चैप्टर में हम देखेंगे तो दो पार्ट हमारे सामने आते हैं एक पार्ट आता है जो पहला पार्ट है जिसे हम एनिमल टिश्यू कहते हैं और जो दूसरा पार्ट आता है जिसमें हम स्पेसिमेंस को डिस्कस करते हैं और जब हम स्पेसम को डिस्कस करते हैं तो उनकी मॉर्फोलॉजी एनाटमी उनके बिहेवियर उनके रिप्रोडक्शन उन सबकी डिटेल स्टडी करते हैं और हमारे नीट सिलेबस में केवल एक स्पेसमन है जो डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिया हुआ है हालांकि उस चैप्टर में अर्थवॉर्म फ्रॉग और कॉकरोच ये तीन स्पेसम दिए हुए हैं लेकिन उनमें से केवल एक स्पेसम है जो डिटेल फॉर्म में हमारे सिलेबस में है और इसी वजह से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ठीक है क्योंकि आउट ऑफ थ्री देर इज ओनली वन इन आवर कोर्स और हमारे कोर्स में एक है तो इस एक से क्वेश्चन आता ही आता है कम से कम अगर मैं आपसे डिस्कस करूं मैं ज्यादा कुछ ऐसा वैसा नहीं कह रहा हूं कम से कम एक क्वेश्चन आता है ठीक है बच्चों बात ध्यान में रखना कॉकरोच से कम से कम एक क्वेश्चन आता है मैक्स टू मैक्स थ्री टू कभी कभी फोर क्वेश्चन तक हमें कॉकरोच से मिल जाते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस चैप्टर में केवल कॉकरोच से ही क्वेश्चन आता है हालांकि जो दूसरे स्पेसमैन है फ्रॉग और अर्थवा उनसे भी पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस देखे गए हैं पिछले कुछ हम जो नीट एग्जाम्स का पैटर्न देख रहे हैं तो उनसे भी क्वेश्चन आया है आया है हालांकि उनको डिटेल वर्जन में सिलेबस uh, में नहीं दिया गया है बट एक जनरल क्लासिफिकेशन या जनरल इंफॉर्मेशन के बेस पर उनसे भी क्वेश्चन आते हैं तो हमें उनको भी इग्नोर नहीं करना है किसको फ्रॉग और अर्थवॉर्म को हालांकि हमें मैक्स टू मैक्स डिटेल में लेके कॉकरोच को चलना ठीक है तो इसकी इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ गई होगी और एकमात्र स्पेसम अकॉर्डिंग टू जो हमारा नीट का सिलेबस होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उम्मीद है कि आप आज की ये जो सेशन अटेंड करेंगे ये हमारा जो वन शॉट एनसीआरटी का आज का सेशन अटेंड करेंगे तो उसके बाद आप कॉकरोच के एन बेस्ड मैं एनसीआर टी के बाहर की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है एक तो हम बहुत स्पेसिफिकली समझे एनसीआर टी वो किताब है बच्चों वो हमारा धार्मिक ग्रंथ है जो हमको यहां से जिस सिचुएशन में हम है यहां से हमें मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक पहुंचाएगा एज फार एज बायोलॉजी इज कंसर्न ठीक है तो हम केवल एनसीआरटी को डिस्कस करने वाले हैं न एक परसेंट कम न एक परसेंट ज्यादा ठीक है एक परसेंट ज्यादा मैंने इसलिए बोला कि मैं अपना ज्ञान अननेसेसरी का ज्ञान आपको नहीं दूंगा जो आपके लिए जहर के समान होगा ठीक है इसमें मैं आपको केवल वही दूंगा जो आपके लिए अमृत के समान होगा जो आपको बेनिफिट करेगा जो आपको फायदा करेगा ठीक है तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं कॉकरोच को लेकर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉकरोच के जनरल इंफॉर्मेशन के बारे में ठीक है तो एज इट इज पहले की तरह एज यूजल मैंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करके रखा है जिससे कि हमें आ, पूरी थियरी पढ़ने की बजाय कुछ उन पॉइंट्स को हम एक एक हर एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया लेकिन पूरी एन को कलर नहीं किया है क्योंकि किस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा क्योंकि एकमात्र स्पेसमिन है और किस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा ये हम और आप नहीं जानते ये वही वो भी नहीं जानता जो पेपर सेट करता है क्योंकि पेपर पूरा पेपर कोई एक पर्सन सेट नहीं करता अलग अलग लोग पेपर सेट करते हैं अलग अलग लोगों के कुछ कुछ क्वेश्चन लिए जाते हैं हो सकता है ऐसा हो क्योंकि मुझे उसकी भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है ठीक है तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि हम कॉकरोच पढ़ने वाले हैं और एनसीआर से पढ़ने वाले हैं ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं हम जो कॉमन कॉकरोच हम इंडिया में रहते हैं इंडिया में जो कॉमन कॉकरोचेज आस घर के आसपास या घर में पाए जाते हैं वो बेसिकली ब्राउन और ब्लैक बॉडीड ऑर्गेनिज्म होते हैं ठीक है तो ये कॉमन कॉकरोचेज है पाए जाते हैं लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें ब्राइट येलो रेड और ग्रीन कलर के कॉकरोच भी मिलते हैं तो ये भी एक ऑप्शन मन के आता है कि और कौन कौन से कलर के पाए जा सकते हैं ट्रॉपिकल एरियाज तो याद रखना ब्राइट येलो रेड एंड ग्रीन कहा पाए जा सकते हैं दे कैन ऑल्सो भी रिपोर्टेड इन ट्रॉपिकल रीजन में इनको रिपोर्ट किया गया ट्रॉपिकल रीजन किसको कहते हैं इक्वेटर या इक्वेटर के पास वाला रीजन क्या कहलाता है ट्रॉपिकल रीजन जनरली साइज की बात करते हैं तो क्वार्टर इंच से लेके थ्री इंचेस तक पाए जाते हैं क्वार्टर इंच यानी वन फोर्थ ऑफ इंच से लेके थ्री इंचेस तक पाए जाते हैं और सेंटीमीटर में 0.6 सेंटीमीटर से लेके 7.6 सेंटीमीटर तक इनका हमें लेंथ मिलता है इनके लॉन्ग एंटीना पाए जाते हैं ठीक है हम देखेंगे अभी जब कॉकरोच का डायग्राम देखेंगे कितने लॉन्ग लगभग जितनी बड़ी इनकी बॉडी होती है उससे ज्यादा बड़े इनके एंटीना पाए जाते हैं जो इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं तो लॉन्ग एंटीना लेग्स एंड फ्लैट एक्सटेंशन लेग्स भी पाए जाते हैं जॉइंटेड लेग्स होते हैं ये बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा में और आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है अगर आप उसके नाम पे जाओ तो दो वर्ड से बनता है कौन कौन से वर्ड है एक आर्थरस ठीक है और दूसरा पोडा आर्थरस मतलब जॉइंट पोडा मतलब पैर तो जॉइंटेड लेग्स या हम बोले ज्यादा स्पेसिफिकली जॉइंटेड अपेंडिजेज इनके कैरेक्टर हैं सो लेग्स और फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ अपर बॉडी पाए जाते हैं बॉडी वॉल ही है इनकी जो बॉडी वॉल फ्यूज करती है यानी बॉडी की जो आउटर मोस्ट लेयर है जो इनकी बॉडी वॉल है वही फ्यूज करके हेड का फॉर्मेशन करती है कंसील हेड मतलब फ्यूज करके हेड का फॉर्मेशन करती है दे आर नॉक्टर्नल ऑमनीवोरस नॉक्टर्नल यानी रात्रिचर रात को ज्यादा एक्टिव होते हैं उन्हें नॉक्टर्नल कहा जाता है ओमनी होते हैं यानी ये सब कुछ खा जा खा जाते हैं जो कुछ भी इनके मुंह में चला जाए ये उसको खा जाते हैं ओमनी समझ गए हो ठीक है मतलब दे आर हर्बीवोरस एज वेल एज कार्निवोरस, जो कुछ भी इनके मुंह में चला जाए वो खा जाते हैं लिव इन डैम प्लेसेस डैम प्लेसेज मतलब डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस ठीक है डार्क प्लेसेस और मॉइस्ट प्लेसेस कहाँ होती है हमारे घर में डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेज तो हमारी जो किचन की सीवर लाइन है जो वॉश बेसिन के बाद जो सीवर लाइन जाती है डार्क और मॉइस्ट प्लेस है ठीक है और जो सीवर जो जो सीवर लाइन हमारे सोसाइटी की या हमारी कॉलोनी की होती है उन सीवर की जो मैन होल होते हैं, उनकी जो ओपनिंग होती है उनके ढक्कन देखेंगे ढक्कन के पूरे नीचे की तरफ भी ये कॉकरोचेस पाए जाते हैं तो लिव इन डैम प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में पाए जाते हैं और ये ह्यूमन के साथ रहने के इतने आदि हो गए हैं दे हैव बिकम रेजिडेंट ऑफ ह्यूमन होम्स ठीक है इंसानों के घर में रहने के ये आदि हो चुके हैं अपने आप को इंसानों के घर के अकॉर्डिंग एडोप्ट कर चुके हैं और अडोप्ट कर चुके हैं और इसलिए ये बहुत सीरियस पेस्ट बन जाते हैं क्योंकि ये ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ गंदगी बहुत होती है बैक्टीरियाज वग़ैरह और दूसरे तमाम तरह के पैथोजेंस पाए जाते हैं और ये वहाँ से जब बाहर निकलते हैं और बेसिकली कब निकलते हैं नॉक्टर्नल है तो रात के समय निकलेंगे ठीक है रात के समय जब बाहर निकलते हैं तो किचन में पूरा ये घूमते हैं और उन बैक्टीरियाज को किचन के अलग अलग पार्ट्स में पहुंचाते हैं जिससे ये क्या हो जाते हैं डिजीज कॉजिंग तो पेस्ट किसे कहते हैं पेस्ट को समझेंगे एक क्वेश्चन आता है पेस्ट पेस्ट कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हार्मफुल है उसे पेस्ट कहते हैं ठीक है थीके? ये कोई भी हो सकता है जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए या तो डायरेक्टली हार्मफुल है या इनडायरेक्टली हार्मफुल है उसे पेस्ट कहते हैं एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हार्मफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर इज नोन एज पेस्ट तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया रोडेंट वायरसेस वीड सब कुछ आते हैं तो सब कुछ जो इंसान को नुकसान पहुंचाता है वो क्या है पेस्ट कहलाता है और ये आ, वेक्टर हो जाते हैं कई कम्युनिकेबल डिजीजेस के ठीक है तो कई कम्युनिकेबल डिजीजेस को ये फैलाते हैं मॉरफोलॉजी की बात करें अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी क्या होती है मॉरफोलॉजी यानी हो जाता है स्टडी ऑफ आउटर अपियरेंस तो बाहर से देखने पर ये कॉकरोच हमें कैसा दिखता है हम उसको डिस्कस करेंगे तो बाहर से देखने पर ये हमें एक कॉमन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें सबसे पहले अभी तक जो हमने पढ़ा हमें ये लॉन्ग एंटेना दिख रहे हैं दो बड़े बड़े एंटेना दिख रहे हैं ठीक है कहाँ पर हेड हेड रीजन में अटैच है हेड के बाद एक थोड़ा सा ब्रॉड पोर्शन दिखता है जिसे हम बोलते हैं थोरैक्स और थोरैक्स के बाद एक उससे बड़ा ब्रॉड इलांगेटेड पोर्शन दिखता है जिसे हम कहते हैं एबडोम तो इनके बॉडी के तीन बेसिक पार्ट दिखते हैं हेड थोरैक्स एंड एब कॉमन कॉकरोच जो इंडिया में पाया जाता है हम जिसकी बात करते हैं वो कौन सा है अमेरिकाना ठीक है पेरी प्लानाटा अमेरिकाना हालांकि एक और है ब्लाटा ओरियन ये भी एक कॉकरोच है लेकिन वो एनसीआरटी में नहीं दिया तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे वो थोड़ा बड़े साइज का कॉकरोच होता है हम जो कॉमन डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा है पेरी प्लानाटा अमेरिकाना जिसका साइज लगभग थर्टी फोर से फिफ्टी थ्री मिलीमीटर लेंथ पाई जा सकती है अलोंग विंग्स विंग्स भी प्रेजेंट होती हैं टू पेयर इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहां पे एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ एबडोम इन मेल तो जो मेल की बॉडी होती है उसमें जो एबडोमिन पोर्शन होता है उसको कंप्लीटली कवर करते हैं विंग्स ठीक है इन मेल्स ये जो है डिफाइनिंग फीचर यानी डिस्टिंग्विश फीचर हो जाता है मेल और फीमेल के बीच में फीमेल में एब्डोमेन इज लार्जर देन मेल और लार्ज होता है इसलिए फीमेल के जो विंग होते हैं वो एबडोमिन को कम्प्लीटली कवर नहीं करते मेल के जो विंग्स है वो एबडोमिन को कम्प्लीटली कवर करते हैं तो आप बाहर से ही देखकर बता सकते हैं कि कौन सा मेल कॉकरोच है और कौन सा फीमेल कॉकरोच है मेल कॉकरोच में विंग्स उसकी पूरी बॉडी को कवर करते हैं फीमेल कॉकरोच पूरी बॉडी मतलब पूरे एबडोम को कवर करते हैं फीमेल कॉकरोच में जो विंग्स होते हैं वो पूरे एबडोमिन को कवर नहीं करते क्योंकि एबडोमिन लार्ज होता है और विंग्स कंपेरेटिवली एबडोमिन से स्मॉल होते हैं ठीक है ये पॉइंट को याद रखना द बॉडी ऑफ द कॉकरोच इज सेगमेंटेड एंड डिविजिबल इन टू थ्री डिस्टिंट रीजन तो इनकी जो बॉडी हम बाहर से देखेंगे तो हमें उसके तीन बड़े बड़े सेगमेंट दिखेंगे सेगमेंटेड है और तीन मेन बड़े बड़े पार्ट दिखेंगे हेड थोरैक्स और एपडोमेंट ठीक है आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर की तरफ हमें एक ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर दिखेगा अभी यहाँ पे ट्राइंगुलर नहीं दिख रहा है लेकिन वो ट्राइंगुलर पाया जाता है जिसे बोलते हैं हेड है उसके बाद हमें मिलता है थोरैक्स और थोरैक्स के बाद हमें मिलता है क्या एपडोमेंट ठीक है तो ये तीनों को हमें याद रखना है द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विथ हार्ड काइटनस एक्सोस्केलेटन तो इनकी जो पूरी बॉडी है ये काइटनस एक्सोस्केलेटन की कवर होती है इनमें बोन वगैरह नहीं पाया जाता ठीक है बोन कार्टिलेज नहीं पा, पाया जाता कार्टिलेजनस एक्सोस्केलेटन इनकी बॉडी में हमें मिलता है जो हम यहाँ देखने वाले हैं और फिर उसके बाद बात करें तो इनमें हमें तीन पार्ट्स मिलते हैं हेड है, थोरैक्स और एपडोमिन अब इनकी जो एक्सोस्केलेटन है यानी काइटनस एक्सोस्केलेटन है वो एक्सोस्केलेटन भी प्लेट्स का बना हुआ है एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है उसमें छोटी छोटी बहुत सारी प्लेट्स पाई जाती हैं और वो प्लेट्स इनका एक्सोस्केलेटन बनाते हैं इन प्लेट्स को इन काइटेनस प्लेट्स को स्क्लेराइड्स कहा जाता है ठीक है तो ये सिंगल स्ट्रक्चर नहीं होता इन प्लेट्स को हम स्क्लेराइड्स कहते हैं और ये जो स्क्लेराइड्स हैं दीज स्क्राइड्स आर ये अलग अलग इसकी प्लेट्स पाई जाती हैं और ये सभी प्लेट्स आपस में कनेक्टेड है जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं क्या करता हूँ इस कॉकरोच को जो हम कॉकरोच देख रहे हैं इसका किसी भी सेगमेंट पे मैं एक ट्रांसवर्स सेक्शन देखूंगा ठीक है हमने यहाँ से सपोज करो कॉकरोच को कट कर दिया अब कट कर दिया और हम इसकी बॉडी वॉल को देखेंगे ठीक है बॉडी वॉल को देखेंगे तो इसकी बॉडी वॉल में हमें स्क्लेराइड्स दिखेंगी ठीक है स्क्लेराइड्स दिखेंगी कुछ ऐसी दिखेंगी ठीक है स्क्लेराइड्स दिखेंगी एक नीचे की तरफ जो है जिसको हम बोलते हैं ये वेंट्रल साइड हो गया वेंट्रल यानी अर्थ सरफेस की तरफ दूसरा जो अपर साइड होगा ये डॉर्सल साइड होगा यानी बैक की तरफ ठीक है तो ये हमें मिलती हैं जो प्लेट्स हैं स्क्लेराइड्स उनका ये अरेंजमेंट मिलता है तो कोई एक ऐसा नहीं कि एक सेगमेंट में एक ही प्लेट होती है ईच सेगमेंट में हम देखें तो हमें चार प्लेट्स मिलती हैं एक प्लेट जो हमें मिलती है वो डॉर्सल सर्फेस पे मिलती है एक प्लेट हमें जो है वेंट्रल सर्फेस पे मिलती है और दो प्लेट हमें जो है वो लेटरल सर्फेस पे मिलती है ठीक है तो यहाँ पे जो दिया हुआ है अगर हम बात करें तो यहाँ पे स्क्लेराइड्स के नाम दिए हैं स्लेराइड्स के नाम क्या दिए हैं जो डॉर्सल सर्फेस पर है डॉर्सल सरफेस पर जो स्क्लेराइट है उसे कहते हैं टर्गाइट्स ठीक है टर्गाइट्स कहते हैं वेंट्रल सरफेस पर जो है उसे हम स्टर्नाइट्स कहते हैं ठीक है स्टर्नाइट्स तो डॉर्सल सरफेस पर टर्गाइट्स और वेंट्रल सरफेस पर स्टर्नाइट्स जो हमें लेटरल सरफेस पे दिख रही हैं इन्हें हम प्लूराइड्स कहते हैं ठीक है प्लूराइड्स कहते हैं तो दो हमें लेटरल सरफेस पर प्लूराइड दिख रही हैं दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये जो स्क्लेराइड्स की प्लेट्स हैं नॉट मेम्ब्रेन, ये जो स्क्लेराइड्स की प्लेट्स हैं दीज प्लेट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर ये आपस में कनेक्टेड पाई जाती हैं और इनको कनेक्ट करती है कौन सी आर्थ्रॉइडल मेंब्रेन ठीक है कौन कनेक्ट करता है आर्थ्रॉयडल मेंब्रेन जो कि यहाँ पर आर्टिकुलेशन मेंब्रेन होती है इन प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करती है कौन कनेक्ट करती है आया हुआ क्वेश्चन है नीट में ठीक है तो ये हमें इनका मॉर्फोलॉजी जो है बाहर से देखने में मिलता है हम बात करें थोड़े से इनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर की तो हमें हेड दिख रहा है हेड पे हमें वन पेयर ऑफ कंपाउंड आईज दिख रही हैं ठीक है, है? यहाँ पे फिलीफॉर्म एंटेना दिख रहा है और कंपाउंड आईज क्यों कहा जाता है क्योंकि इनमें मल्टीपल ऑप्टिकल एपरेटस पाए जाते हैं बहुत सारे ऑप्टिकल एपरेटस पाए जाते हैं या हम बोले बहुत सारे लेंसेज पाए जाते हैं और हर लेंस का अपना एक अलग ऑप्टिकल सिस्टम होता है हमारी बॉडी में हर एक आईज में सिंगल लेंस पाया जाता है और सिंगल लेंस का ही एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है तो इसे सिंपल आई कहते हैं इनकी आइज में मल्टीपल लेंसेज पाए जाते हैं और हर लेंस का अलग ऑप्टिकल सिस्टम होता है हर लेंस एक सेपरेट आई की तरफ बिहेव करता है हर लेंस की एक अलग इमेज बनती है और इस तरह की विजुअलाइजेशन को इमेज कहा जाता है ठीक है मोजैक इमेज जैसे हम लोग पजल सॉल्व करते हैं ना कि अलग अलग साइज और शेप के पजल होते हैं हम उनको सॉल्व करके एक इमेज बनाते हैं वैसे ही हर एक आ, इनके जो लेंसेज होते हैं जिन्हें हम ओमाटीडिया कहते हैं तो ओमाटीडिया हेक्सागोनल सिस्टम हेक्सागोनल एपरेटस इनके बोल सकते हैं लेंस के जैसे पाए जाते हैं और वो सभी का अलग ऑप्टिकल एपरेटस होता है किसी एक ही एक की इमेज दूसरे के साथ मिक्स नहीं होती और इससे ये कंपाउंड आइज बनती है फिर हम बात करें इनके लेग्स uh, की तो थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स पाए जाते हैं जो इनके थोरेक्स से अराइज़ होते हैं ठीक है थोरैसिक रीजन से अराइज़ होते हैं और इनमें टू पेयर्स ऑफ हमें विंग्स मिलते हैं जो एंटीरियर विंग्स हैं जिन्हें टेगमिना कहते हैं और जो पोस्टीरियर विंग्स हैं जिन्हें हाइंड विंग्स कहते हैं ठीक है तो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो विंग्स हो गए पेयर में पाए जाते हैं फिर हम इनकी बॉडी पर अगर देखेंगे तो हमें यहाँ पर कुछ ब्लैक स्पॉट्स दिख रहे हैं दीज स्पॉट्स आर एक्चुअली ओपनिंग्स ये ओपनिंग्स होती हैं पोर्स होते हैं जहाँ से एयर पैसेज की बॉडी में होता है और इन ओपनिंग्स को स्पाइरकल्स कहते हैं ठीक है ये इनमें रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं इन ओपनिंग्स को स्पाइरकल्स कहा जाता है इसको ध्यान में रखना आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर हम देखेंगे तो इनकी जो पोस्टीरियर सरफेस है पोस्टीरियर मतलब हम एबडोमिन की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक हमें स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम कह रहे हैं एनल सरकाई ठीक है क्या कह रहे हैं एनल सरकाई तो अभी हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर दिख रहा है बात आती है यहाँ पर जो लेग्स की तो थ्री इनके चैंबर थोरे थ्री इनके सेगमेंट थोरैक्स में पाए जाते हैं और हर एक सेगमेंट से वन पेयर ऑफ लेग्स अराइज होते हैं प्रोथोरैक्स मीजोथोरैक्स और मेटाथोरेक्स तो तीन ये सेगमेंट हो गए हर सभी सेगमेंट से लेग्स ओरिजिनेट होते हैं प्रोथोरेसिक लेग मेसोथोरेसिक लेग्स और मेटाथोरेसिक लेग्स ठीक है ये तीन जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं हर एक लेग में कई पार्ट मिलते हैं और सभी पार्ट्स आपस में जॉइंट बनाते हैं तो इसलिए इसे जॉइंटेड लेग्स कहा जाता है हालांकि हमें जॉइंट जो है एंटीना में भी मिलते हैं तो एंटीना लेग नहीं है इसलिए ज्यादा जो अप्रोप्रियट वर्ड यूज किया जाए वो है जॉइंटेड 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 या ठीक है ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है जो इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर को डिसाइड करता है हेड की बात आती है और हेड के पार्ट्स की बात आती है जब हम हेड की बात करेंगे तो हम कुछ पॉइंट हैं जिनको हमें याद रखना है अभी तो हम यहाँ पर वो डिटेल स्टडी तो नहीं कर पाएंगे जो हम ईयर लॉन्ग बैचेस में करते हैं क्योंकि ईयर लॉन्ग बैचेस में एक एक पार्ट को इलेबोरेट करके हम देखते हैं यहाँ पर हम केवल ओवरव्यू ले पाएंगे जो एनसीआर में लिखा हुआ है ताकि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन करेक्ट हो हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है यहाँ पर हम उसको एनसीआर टी एस्पेक्ट में देख रहे हैं कि हेड कैसा होता है ट्राइंगुलर इन शेप एंड लाई एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द बॉडी एक्सिस ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये हमारी तरह है हमारी तरह कैसा है हमारी बॉडी एक्सिस ऊपर से नीचे है और हमारा माउथ का ओपनिंग फ्रंट यानी एंटीरियर साइड में है तो बॉडी एक्सिस के 90 डिग्री ये एंगल बना रहा है इनकी बॉडी भी ऐसी होती है इनकी बॉडी एक्सिस अर्थ सरफेस के कैसी होती है पैरेलल होती है और माउथ इनका नीचे की तरफ होता है इस तरह के माउथ को हाइपोग माउथ कहा जाता है ठीक है याद रखना हाइपोग्थस तो बॉडी एक्सिस अर्थ सरफेस के पैरल और माउथ जो है परपेंडिकुलर यानी अर्थ सरफेस की तरफ तो कैसा एंगल बनाएगा 90 डिग्री हम कैसा बनाते हैं हम भी 90 डिग्री बनाते हैं लेकिन हम नीचे की तरफ नहीं बनाते हम फ्रंट तो की एंटीरियर की तरफ बनाते हैं तो हमारा भी 90 डिग्री पर है बॉडी एक्सिस के इनका भी 90 डिग्री पर है इनकी बॉडी एक्सिस के लेकिन इनकी बॉडी एक्सिस अर्थ सर्फेस के पैरल है और जो माउथ है वो अर्थ सर्फेस के परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री एंगल हम बात कर रहे हैं हेड का फॉर्मेशन होता है बाय फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूछता है कितने सेगमेंट के फ्यूज होने से हेड का फॉर्मेशन होता है तो सिक्स सेगमेंट के फ्यूज होने से हेड का फॉर्मेशन होता है और इनके हेड में मोबिलिटी बहुत हाई पाई जाती है ड्यू टू देयर फ्लेक्सिबल नेक इनका हेड जो है काफी डायरेक्शन में मूव कर सकता है जैसे हम अपने हेड की बात करें तो लेफ्ट टू राइट ऊपर से नीचे थोड़ा सा दाएं बाएं हम घुमा सकते हैं लेकिन इनमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई पाई जाती है ठीक है हेड कंजिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती हैं क्योंकि उनमें मल्टीपल लेंसेज पाए जाते हैं और हर एक लेंस का अपना अलग ऑप्टिकल सिस्टम होता है ऑप्टिकल एपरेटस होता है ठीक है इसलिए हम इसे कंपाउंड आई बोल रहे हैं अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्राम मेमब्रस सॉकेट लाइक इन फ्रंट ऑफ आईज तो थ्रेड लाइक एंटीना अराइज होता है और एंटीना क्या करता है एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर दैट हेल्प इन मोनिटरिंग द एनवायरमेंट तो एनवायरमेंटल कंडीशन को मोनीटर करने के लिए एंटीना हैल्प करता है एंटीना हैव सेंसरी रिसेप्टर एंटीना एंटीरियर एंड हेड बियर अपेंडेजेस फॉर्मिंग बाइटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट तो इनका कॉकरोच का जो माउथ पार्ट होता है वो बाइटिंग एंड चूइंग टाइप यानी काटने और चबाने वाला होता है ये पॉइंट याद रखना ये कुछ भी सब सब्सटेंस इन्हें मिलेगा ये ब्रेड मिला चपाती मिला कुछ भी मिला ये खाएंगे तो उसे पहले क्या करेंगे काटेंगे और चबाएंगे आप मॉस्किटो का याद करो मॉस्किटो बाइटिंग एंड चूइंग नहीं है वो क्या है सकिंग एंड पियर्सिंग टाइप ठीक है सकिंग एंड पियरसिंग मॉस्किटो में क्यों बता रहा हूं क्योंकि वो भी हमारे कोर्स में है सिलेबस में है हम मलेरिया की बात कर रहे हैं तो वहां पर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होता है कंपैरिजन भी हम देख रहे हैं इनका बाइटिंग एंड चुइंग टाइप मॉस्किटो का जो है पियरसिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट पाया जाता है और बाइटिंग और चुइंग करने के लिए इनके माउथ पार्ट में कई तरह के हमें उसके पार्टिशंस दिखते हैं माउथ के कई पार्ट्स दिखते हैं तो क्या क्या दिखता है अपर लिप जिसे हम लेब्रम कहते हैं अपर लिप लेब्रम अ पेयर ऑफ मैंडेबल मैंडेबल मतलब लोअर जॉ बोल सकते हैं वन पेयर अ पेयर ऑफ मैग्जिला अपर जॉ बोल सकते हैं वो भी वन पेयर एंड अ लेबियम एक लेबियम लोअर लिप और एक फ्लेक्सिबल एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होता है जो टंग की तरह काम करता है हाइपोफेरिंग्स कहते हैं उसको ठीक है टंग के जैसा हाइपोफेरिंग्स तो क्या क्या पाया जाता है वन वन अपर लिप लेब्रम लोअर लिप लेबियम वन पेयर ऑफ लोअर जॉ वन पेयर ऑफ मैगजिला अपर जॉ एंड वन पेयर ऑफ वन हाइपोफेरिंग्स दैट एक्ट एज टंग जो टंग की तरह काम करेगा ठीक है ये हमें इनके माउथ पार्ट में कहाँ दिखता है हम यहाँ पर देख रहे हैं तो अपर लिप हमने बोला ऊपर की तरफ ये इनका अपर लिप लेबरम लोअर लिप लेबियम अब यहां पर बात है कि मैंनेडेबल ये लोअर जो है याद रखना मैंडेबल लोअर जो है अपर जो मैग्जिलरा मैग्जिला ठीक है और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम हाइपोफेरिंग्स कह रहे हैं ये हमें इनके माउथ पार्ट्स मिलते हैं कंफ्यूज नहीं होना है ठीक है थोरेक्स की बात करें थोरेक्स में तीन सेगमेंट तीन पार्ट्स पाए जाते हैं पहला सेगमेंट जो हर्ट जो हेड की तरफ होता है उसे बोलते हैं प्रोथोरेक्स फिर मीजोथोरेक्स और फिर मेटाथोरैक्स ठीक है प्रोथोरेक्स मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स तीन सेगमेंट हम बात करते हैं द हेड कंजिस्ट ऑफ थोरेसिक एक्सटेंशन प्रोथोरैक्स नोन एज तो प्रोथोरेक्स uh, का ही जो थोड़ा सा ट्यूबुलर एक्सटेंशन होता है जो हेड में जाता है और उसी को हम नेक बोलते हैं ईच थोरैसिक तो याद रखना नेक इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स यानी थोरैक्स के पहले सेगमेंट का एक्सटेंशन है ईच थोरैसिक सेगमेंट बी अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स हर एक सेगमेंट में वॉकिंग लेग्स पाए जाते हैं ठीक है वन पेयर प्रेजेंट होते हैं और ये ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं इनके पार्ट्स की हम बात करें तो इनके पांच पार्ट्स हमें मिलते हैं कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर, टीबिया और टार्सस ठीक है ये पांच पार्ट मिलते हैं कॉक्सा ट्रोकेंटर फीमर टीबिया एंड टार्सस इससे ज्यादा डिटेल यहाँ पर जरूरी नहीं है द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अब दो पेयर विंग है पहले पेयर की बात कर रहे हैं द फर्स्ट पेयर ऑफ विंग अराइज फ्रॉम मीजोथोरैक्स एंड सेकेंड पेयर अराइज फ्रॉम मेटाथोरैक्स तो फर्स्ट सेगमेंट से कोई भी विंग अराइज नहीं होता सेकेंड और थर्ड से सेगमेंट से अराइज होता है लेग्स तीनों सेगमेंट ऑफ थोरैक्स से अराइज होते हैं वन पेयर लेकिन विंग्स केवल सेकेंड मीजोथोरेक्स और थर्ड मेटाथोरैक्स सेगमेंट से अराइज होते हैं फर्स्ट सेगमेंट से कोई भी अराइज नहीं होता है अब विंग्स की बात कर लें तो जो फोर विंग है यानी एंटीरियर विंग है जिसे हम मीजोथोरेसिक विंग उसे हम टेगमिना कहते हैं वो ओपेक होता है डार्क होता है लेदरी होता है एंड कवर द हाइंड विंग्स और हाइंड विंग्स को कवर करता है व्हेन एट रेस्ट कब कवर करता है जब रेस्ट पे है जब वर्किंग कर, तो कर रहा है तब तो ये वर्क करेंगे एक्सपेंड होंगे ठीक है इनका एक्सपोजर देखा जाएगा लेकिन जब रेस्ट कर रहे हैं तो हाइंड विंग्स को कवर करेंगे अब बात करें हाइंड विंग्स की सो हैंड विंग्स आर ट्रांसपेरेंट ये ट्रांसपेरेंट होते हैं एंड आर यूज इन फ्लाइट और उड़ने में इनको यूज किया जाता है ठीक है द एबडोमिन ऑफ बोथ मेल एंड फीमेल कंजिस्ट ऑफ टेन सेगमेंट दोनों मेल और फीमेल में टेन सेगमेंट इनके एबडोमिन में पाए जाते हैं एबडोमिन इनका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एबडोमिन में मिलते हैं और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग पार्ट्स हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के मिलते हैं तो एपडोमिन को लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे सो so, एबडोमिन में टेन सेगमेंट पाए जाते हैं दोनों ही मेल और फीमेल में लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी एपडोमिन को लेकर ही पाए जाते हैं मेल में कुछ अलग तरह का एपडोमिन मिलेगा हमने बोला स्मॉल एपडोमिन होता है विंग पूरे एपडोमिन को कवर करता है फीमेल में लार्ज अब डोमिन होता है तो क्या और डिफरेंसेस पाए जाते हैं जैसे कि हम बात करेंगे इन फीमेल फीमेल की बात हो रही है स्टर्नम स्टर्नम यानी जो किधर है वेंट्रल साइड में है नीचे की तरफ है ठीक है और सरफेस की तरफ है उसे हम सेवेंथ स्टर्नम कह रहे हैं board shape. Board shape मतलब, हम बोल सकते हैं स्पिंडल शेप ठीक है बोर्ड शेप एंड टूगेदर विथ एट एंड नाइन्थ स्टर्ना फॉर्म अडल एंटीरियर पार्ट कंटेन द फीमेल गोनोपोर एंड स्पर्मैथिकल पोर एंड कोलेट्रल यानी ये तीनों एक साथ एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कौन सा सेवेंथ वेंट्रल स्क्राइट जो कि स्टर्नम है सेवेंथ एट्थ और नाइन्थ वेंट्रल स्क्राइट होके एक ब्रॉड स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम ब्रूडर्स पाउच बोलते हैं ठीक है एक जेनेटल पाउच या ब्रूड पाउच बोलते हैं जो क्या करता है फीमेल गोनोपोर यानी उसमें फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पोर पाया जाता है ठीक है फीमेल गोनोपोर बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव पोर स्पर्मेथिकल पाउच एंड कोलेट्रल ग्लैंड इनमें पाई जाती है क्या इनके फंक्शन है वो हम आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे अभी हम इनकी पोजिशन बात कर रहे हैं कि जो ब्रूड पाउच है जो स्पर्मेथिकल पोर है और जो कोलेट्रल ग्लैंड है वो इस बोट शेप सेवेंथ स्टर्नम के एंटीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है मेल में थोड़ा सा अलग है इन मेल जेनेटल पाउच और चैम्बर लाइज एट द हाइंड ऑफ एबडोमिन हाइंड एंड मतलब पोस्टीरियर एंड ऑफ एबडोमिन बाउंडेड डॉर्सली बाई नाइन्थ एंड टेंथ टर्गा एंड वेंटरली बाई नाइन्थ स्टर्नम तो यहाँ पर जेनेटल पाउच को लेकर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वहाँ पर ब्रूडर्स पाउच को लेकर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है मेल और फीमेल में दोनों में अलग अलग पाउच और दोनों में अलग अलग इंफॉर्मेशन यहाँ पे क्या बात आ रही है कि मेल में जेनेटल पाउच पाया जाता है कहां पर सेगमेंट यानी अपर सेगमेंट नाइन्थ है और और लोअर जो है टेंथ है सेगमेंट अपर साइड में और लोअर साइड में नाइन्थ सेगमेंट है ठीक है ऊपर डोर्सल साइड में नाइन्थ और टेंथ दोनों सेगमेंट है नीचे केवल नाइन्थ सेगमेंट प्रेजेंट है जहां पर हमें ये जेनाइटल चैम्बर मिलता है किसमें मेल में, में, में इट कंटेन एनस इनकी जो एनल ओपनिंग है यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग है वो डॉर्सल साइड ऊपर की तरफ प्रेजेंट होती है और वेंट्रल साइड में इनका जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में जेनाइटल पोर प्रेजेंट होता है और गोनेपोफाइसिस प्रेजेंट होता है अब ये गोनेपोफाइसिस क्या है हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे तो ये याद रखना है डोर्सल साइड में इनका एनल पोर और वेंट्रल साइड में मेल जेनाइटल पोर और गोनेपोफाइसिस पाए जाते हैं। मेल बियर अ ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल विच इज एबसेंट इन फीमेल ये पॉइंट याद रखना मेल में एनल स्टाइल पाई जाती है ठीक है क्या पाई जाती है एनल स्टाइल अब एनल स्टाइल को लेकर खास बात क्या आती है कि मेल में एनल स्टाइल तो प्रेजेंट होती है एनल स्टाइल के साथ साथ एनल सरकाई भी प्रेजेंट होते हैं लेकिन फीमेल में केवल एनल सरकाई प्रेजेंट होते हैं जो कि सेंसिटिव सेंसरी है स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये याद रखना स्टाइल केवल मेल में पाई जाती है फीमेल में नहीं पाई जाती है। और जो एनल स्टाइल है हालांकि एनसीआरटी में नहीं लिखा हुआ है बट हमें याद रखना है एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल इन नाइन्थ सेगमेंट ठीक है किस जॉइंटेड हैडेजेस जो हम बोल रहे थे तो जॉइंटेड स्ट्रक्चर है जिसे हम एनल सरकाई कह रहे हैं और एनल सरकाई जॉइंटेड अपेंडेजेस का भी एक एग्जाम्पल है जो मेल और फीमेल दोनों में जाता है एनल स्टाइल ज्वाइंटेड नहीं होता है एनल स्टाइल इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंटेड अपजेंट इन द नाइन्थ सेगमेंट ऑफ मेल कॉक्रोच इन एबिनल पार्ट ठीक है इसको याद रखना है यहां पर इनमें डिफरेंसेज पाए जाते हैं स्टाइल केवल मेल में होती है और कब होती है नाइन्थ सेगमेंट में पाई जाती है नेक्स्ट आते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी में एनाटॉमी को डिस्कस करेंगे एनाटॉमी में सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की और डाइजेस्टिव सिस्टम में हम सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल इनका एलिमेंट्री कैनाल तीन पार्ट में डिवाइडेड है फोरगट मिड गट और हाइंड गट अब फोरगट कहाँ से कहाँ होता है मिडगट कहाँ से कहाँ होता है और हाइंडगट कहाँ से कहाँ होता है देखते हैं तो तीन पार्ट है यहां हम देखेंगे ये पूरा ट्यूबलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये इनका एलिमेंट्री कैनाल है सो so, फोरगट की बात करें तो माउथ ओपन इन अ ट्यूबलर स्ट्रक्चर माउथ ओपन होता है ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर शुरुआत में जो दिख रहा है दिस इज ट्यूबुलर फेरिंग्स जो आगे बढ़ेगा ईसोफेगस कहलाएगा ईसोफेगस बनेगा और ईसोफेगस आगे लीड करेगा एक सैक लाइक स्ट्रक्चर को जिसको हम कह रहे हैं क्रॉप क्रॉप का फंक्शन कुछ कुछ हमारे स्टमक के फंक्शन जैसा होता है इनमें क्रॉप कहते हैं हमारी बॉडी में स्टमक कहते थे ठीक है सो क्रॉप लाइक हालांकि ये कहीं लिखा नहीं है कि ये स्टमक के जैसा हम समझ रहे हैं इसकी जो फंक्शनिंग समझ में आती है वो हमारे स्टमक के जैसी होती है ठीक है सो सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे क्रॉप कहते हैं यूज फॉर स्टोरिंग ऑफ फूड जो फूड को स्टोर कर रहा है किसके लिए डाइजेशन के लिए द क्रॉप इज फॉलोड बाई गिजर्ड और प्रोवेंटिकुलस अब क्रॉप के पीछे ये पार्ट प्रेजेंट है जिसे बोलते हैं गिजर्ड गिजर्ड में फूड को क्रश किया जाता है क्योंकि गिजर्ड में सिक्स यानी बोले थ्री पेयर्स ठीक है सिक्स हाईली काइटिनस टीथ पाए जाते हैं काइटनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं सिक्स होते हैं जो टीथ की तरह होते हैं दे आर यूज फॉर क्रशिंग ऑफ फूड इन गिजर्ड और इसलिए कहते हैं और वो इसलिए हो पाता है क्योंकि इसमें थिक सर्कुलर मसल्स होती हैं और ये थिक सर्कुलर मसल्स ही फूड को क्रश करने में हेल्प करती है सो गिजर्ड हेल्प इन ग्राइंडिंग ऑफ फूड या क्रशिंग ऑफ फूड फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं द एंटायर फोरगट इज लाइन बाई क्यूटिकल तो इसकी जो इनर लेयर है की इनर लेयर है वो किसकी बनी है वो बनी है क्यूटिकल की अ रिंग ऑफ सिक्स टू एट ब्लाइंड ट्यूब्यूल कॉल्ड हिपैटिक सीका और गैस्ट्रिक सीका इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट तो ये हमें सीका दिख रहे हैं इनका रिंग प्रेजेंट होता है रिंग मतलब ये चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्री कैनाल गिजर्ड है उसके चारों तरफ ये प्रेजेंट होते हैं कितने होते हैं सिक्स ट्यूब्यूल्स मतलब सिंगल ओपनिंग पाई जाती है एंड दे सिक्रीट डाइजेस्टिव जूस ये मिडगट और फोरगट uh, के ज्वाइंट पर प्रेजेंट होते हैं और ये क्या सिक्रीट करते हैं डाइजेस्टिव जूस एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हाइंड गट फिर नीचे आ जाते हैं तो मिडगट और हाइडगट के जंक्शन पे हमें बहुत सारे न्यूमरस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सो येलो थिन फिलामेंटस मालपीजियन ट्यूब्यूल पाए जाते हंड्रेड से वन फिफ्टी नंबर याद रखना हेपैटिक सी के कितने थे सिक्स टू एट मालपीजियन ट्यूब्यूल कितने हंड्रेड से वन फिफ्टी ये थिन फिलामेंटस हैं, येलो कलर्ड हैं, एक्सक्रीशन परफॉर्म करेंगे ठीक है क्या परफॉर्म करेंगे एक्सक्रीशन। और लिखेंगे, दे हेल्प इन रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हेमोलिम्फ हेमोलिम्फ क्या है इनका जो कलरलेस ब्लड है इनका ब्लड रेड कलर का नहीं होता कलरलेस होता है क्योंकि उस ब्लड में आरबीसी या कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जाता तो वो ब्लड है जिसे हेमोलिम्फ कहते हैं और ब्लड है लेकिन लिम्फ की तरह है इसलिए हम उसे हेमोलिम्फ कह रहे हैं और उसी हेमोलिम्फ से एक्सक्रेटरी वेस्ट को रिमूव करेंगे कौन रिमूव करेगा मालपीजियन ट्यूब्यूल तो ये हेल्प करते हैं किसमें इसमें एक्सक्रीशन में क्या प्रोसेस परफॉर्म होता है वो अभी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है जब हम डिटेल पढ़ते हैं तो पोटेशियम uh, यूरेट और तमाम जो चीज़ें बनती हैं जिससे कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन होता है वो अभी यहाँ पर नहीं है लेकिन वो हम डिटेल क्लास जब देखते हैं तो वहाँ पर डिस्कस करते हैं सो दे हेल्प रिमूवल ऑफ एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट क्या है यूरिक एसिड फ्रॉम हेमोलिम्फ कहाँ से ब्लड से रिमूव कर में करने में हेल्प करते हैं द हाइंड गट इज़ ब्रॉडर देन मिड गट हाइंड गट ज़्यादा ब्रॉड होता है क्यों वहां पे जो न्यूट्रिएंट है उनका एब्जॉर्प्शन होगा और एब्जॉर्प्शन होगा तो ये तीन पार्ट में डिफ्रेंशिएटेड है इलियम कोलोन एंड रेक्टम जो कि इंटेस्टाइन की तरह काम करते हैं ठीक है इलियम कोलोन रेक्टम रेक्टम ओपन आउट थ्रू एनस आपको याद रखो एनल ओपनिंग डोरसल साइड में प्रेजेंट थी और रेक्टम वहीं से या एक्सक्रीट जो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वहां से ओपन होता है किससे एनम्स एनस से नेक्स्ट ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम अब इनमें ब्लड तो कलरलेस है उसे हम हेमोलिम्फ कह रहे हैं कलरलेस ब्लड है अब बात आती है कि इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड ठीक है ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड ऐसा नहीं लिखा है एनसीईआरटी में कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स एबसेंट होती है उसमें एनसीईआरटी में लिखा है ब्लड वेसल्स आर अंडर डेवलप्ड और ब्लड वेसल्स आर अंडर या पुअरली डेवलप्ड ठीक है अंडर डेवलप मतलब पुअरली डेवलप्ड यानी पूरी तरह से नहीं बनी है बट जो भी उनका पार्शियल फॉर्म है वो पाया जाता है और पुअरली डेवलप्ड है और बोला गया है कि इसमें जो ब्लड हार्ट से पंप होता है वो इनकी बॉडी कैविटी में पंप होता है तो कलरलेस ब्लड है बॉडी कैविटी में पंप होता है उसे हेमोसील कहते हैं ठीक है क्या बोलते हैं हेमोसील तो देखते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज ओपन टाइप ओपन टाइप है डायरेक्टली ब्लड हार्ट से इनकी बॉडी कैविटी में पंप होता है और बॉडी कैविटी से सारे सारे टिश्यूज तक जाता है ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड ठीक है मैंने बोला एबसेंट कहीं आए तो मत लगाना पुअरली डेवलप लगाना है एंड ओपन स्पेस इनकी बॉडी कैविटी में ओपन होता है जिसे हम हेमोसील कहते हैं हेमोसील आर बाथ इनटू ब्लड या जिसे हम हेमोलिम्फ कहते हैं तो हेमोसील में ही पूरा ब्लड डंप होता है हार्ट से पूरा ब्लड हेमोसील में आता है हाँ, ब्लड को क्या कह रहे हैं हम हेमोलिम्फ तो हेमोलिम्फ इज डू हेमोसिलस प्लाज्मा ये हेमोलिम्फ में ऐसा नहीं कि कोई सेल नहीं होती उसमें सेल्स होती है कलरलेस सेल्स होती हैं जिन्हें हम प्लाज्मा सेल्स या हम हेमोसाइड्स बोलते हैं तो दो अलग अलग सेल्स हैं प्लाज्मा सेल्स हैं और हेमोसाइड सेल्स हैं और नहीं है और एंड हार्ट ऑफ काक्रोच टूब लाइक -like. तो हार्ट कैसा होता है हार्ट इनका इलागेटेड है ट्यूब लाइक है जिसमें छोटे छोटे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं और इन सभी फनल्स को हम सेपरेट चैम्बर बोलते हैं तो ओवरऑल जो है हम बात करते हैं तो थर्टीन चैम्बर हार्ट इनमें पाया जाता है हालांकि डायग्राम में हम देखेंगे तो केवल ट्वेल्व चैम्बर बने हुए हैं ठीक है हार्ट होता है थर्टीन चैम्बर सो फनल शेप चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं और ये चैम्बर पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ ओपन होते हैं जिससे कि ये पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर की तरफ हार्ट को ब्लड uh, को पंप करते हैं तो पूरा ब्लड जो हार्ट से पंप होता है वो कहाँ पंप होता है इनके हेड में फिर हेड से होते हुए जो नेक की ओपनिंग है वहां से पूरा हार्ट जो ब्लड है वो इनके हेमोसील uh, में आता है यानी बॉडी कैविटी में आता है ठीक है खास साथ ही इनके हर एक चैंबर में एक ओपनिंग मिलती है इस ओपनिंग को हम ऑस्टिया कहते हैं या ऑस्टियम कहते हैं इसी ओपनिंग से हार्ट के अंदर ब्लड एंटर करता है ठीक है पोस्टीरियर साइड से भी एंटर करता है और हर एक चैम्बर में भी एंटर करता है बाय दिस ओपनिंग नोन एज ऑस्टिया आस और फिर ऑस्टिया से एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ये जो है ये हार्ट की तरफ पंप होगा तो पूरा जो ब्लड है वो हार्ट में हार्ट से हेड में रिलीज होता है और फिर हेड से होते हुए ये बाहर बाहर कहाँ आता है इनकी बॉडी कैविटी में यानी हेमोसील में आता है तो अगर हार्ट के अंदर हम ब्लड के फ्लो की बात करें इनसाइड हार्ट तो वो पोस्टीरियर से एंटीरियर होता है और हार्ट के बाहर यानी बॉडी में हम ब्लड के डायरेक्शन की बात करें तो ब्लड का मूवमेंट एंटीरियर से पोस्टीरियर होता है हार्ट के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए एलरी मसल्स पाई जाती हैं एलरी मसल्स हार्ट और बॉडी वॉल से अटैच होती हैं कितनी होती हैं देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व पेयर पाई जाती हैं ठीक है ट्वेल्व पेयर एलरी मसल्स दैट सपोर्ट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड हार्ट इज अटैच विद बॉडी वॉल तो ये भी हमें याद रखना है एलरी मसल्स का पाया जाना पूछता है एग्जाम में द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंजिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा होता है जैसा हमारी बॉडी में हमारी बॉडी में क्या है नॉस्ट्रिल से एयर अंदर जाती है फिर विंड पाइप मिलता है ट्रेकिया उसके डिस्ट्रीब्यूशन मिलते हैं फिर फर्दर उनके डिस्ट्रीब्यूशन पूरे लंग्स में फैले पाए जाते हैं और जब ये लंग्स में फैले पाए जाते हैं तो ब्रांचेस बनती हैं इनमें ऐसा नहीं होता इनमें क्या है कोई बड़ी मॉल देखें कोई बिल्डिंग देखें तो वहां पर देखेंगे हर एक रूम में एक सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है ठीक है सेंट्रल कूलिंग सिस्टम होता है और उस सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से डक्ट्स हर रूम में हर हॉल में जाती हैं और सेंट्रल कूलिंग सिस्टम से ही उस पूरे बिल्डिंग में उस पूरे मॉल में जो है एयर जो है वेंटिलेशन सप्लाई किया जाता है ऐसा ही इनमें भी पाया जाता है इनमें भी बॉडी सर्फिस पर ओपनिंग होती हैं स्पाइरकल्स उन्हीं स्पाकल से ट्रैकिया ट्यूब्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड पाई जाती हैं ट्रैकिया और उनके फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रैकियोल्स होते हैं जो उसी डक्ट सिस्टम की तरह काम करते हैं जिससे इनकी पूरी बॉडी में एयर सर्कुलेट होती है और इनमें रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे बात आती है कि कितने स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं सो टेन पेयर ऑफ ओपनिंग्स पाई जाती हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स कहते हैं उसमें से अगर हम टू पेयर बात करें तो थोरैक्स में होते हैं और एट पेयर हमें एबडोमिन में मिलते हैं हेड में कोई भी स्पाइरकल नहीं होता है इनकी ट्रैकिया की ब्रांचिंग पाई जाती है जिन्हें हम ट्रैक्यूल्स कहते हैं और यही ट्रैक्यूल्स थिन ट्यूब्स होती हैं जो इनकी बॉडी के हर एक पार्ट में एयर को सप्लाई करती हैं और इनका वेंटिलेशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम मेंटेन करती हैं एक और बात स्पाइरकल्स आर रेगुलेटेड बाई स्पिंटर तो ये जो ओपनिंग होती है इसकी ओपनिंग पर भी वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिन्हें हम स्पिंटर्स बोलते हैं एंड दिज स्पिंटर्स आर प्रजेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है किसे डिफ्यूजन से यानी इसमें भी एनर्जी खर्च नहीं होती ठीक है तो जो सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस है उसमें एनर्जी एक्सपेंड नहीं होती ठीक है और नेक्स्ट बात करेंगे एक्सक्रीशन की तो एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन परफॉर्म बाय मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हालांकि यही अकेली ऐसी स्ट्रक्चर नहीं है जो एक्सक्रीशन परफॉर्म करे इट इज अ मेन स्ट्रक्चर बट देर आर सेवरल अदर स्ट्रक्चर्स आल्सो प्रेजेंट ईच ट्यूब्यूल इज लाइन बाय ग्लैंडुलर एंड सीलिएटेड सेल्स तो जो हमने 100 से 150 फिफ्टी मलपीजियन ट्यूब्यूल्स पढ़ा था वो लाइंड होती हैं किससे ग्लैंडुलर और सीलिएटेड सेल्स से लाइंड होती है उनके अंदर इनर लाइनिंग जो है ग्लैंडुलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं और सीलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट दैम इन टू यूरिक एसिड तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट पोटेशियम यूरेट को एब्सॉर्ब करते हैं और उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं विच इज थ्रू द हाइंड गट और वो किससे एक्सक्रीट होता है हाइंड गट से यानी इनका जो एक्सक्रीटरी जो एनल पाथवे है वहीं से इनका डाइजेस्टिव वेस्ट भी रिलीज होता है और जो इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो भी रिलीज होता है और वो किस फॉर्म में रिलीज होता है यूरिक एसिड के फॉर्म में और इसलिए ये जिस क्लास को बिलोंग करते हैं उस क्लास को इंसेक्टा बोलते हैं इंसेक्ट्स बिलोंग करते हैं एंड दे आर यूरिकोटेलिक इन नेचर जो यूरिक एसिड है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल्स के फॉर्म में रिलीज होता है और ये यूरिकोटेलिक बन जाते हैं इसके अलावा देर आर फैट बॉडीज पाई जाती हैं नेफ्रोसाइड्स एंड यूरिकोज ग्लैंड आर ऑल्सो प्रेजेंट विच हेल्प इन एक्सक्रीशन तो अकेले मल्पीजीन ट्रिब्यूल नहीं इसके अलावा फैट सेल्स या फैट बॉडीज नेटैच पाई जाती हैं एंड यूरिकोज ग्लैंड आर प्रजेंट विच हेल्प इन एक्सक्रीशन नेक्स्ट नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम इनका बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है बड़ा ही सिंपल नर्वस सिस्टम है समझना है कुछ गैंगलियन पाए जाते हैं पेयर ऑफ पेयर ऑफ वेंट्रल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है वेंट्रल नर्व कॉर्ड सो नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम ऑफ सेट्स ऑफ फ्यूज सेगमेंटल अरेन्ज गैंग्लियन फ्यूज सेगमेंटल अरेंज्ड गैंग्लियन यानी अलग अलग सेगमेंट में गैंग्लियन अरेन्ज होते हैं उनके फ्यूजन से बनता है जैसे कि अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव पेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड सो लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव क्या है नर्व कॉर्ड के जैसा होता है जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट है और इनके गेंग्लियॉन को आपस में कनेक्ट करता है ठीक है अलग अलग जगह पर यह कनेक्ट होते हैं लेडर लाइक स्ट्रक्चर बनता है वाइल एट रेस्ट इन रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द वेंट्रल बेली पार्ट ऑफ द बॉडी तो बाकी जो पार्ट है वो वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट होता है इनके नर्वस सिस्टम का नाउ यू विल अंडरस्टैंड दैट इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ तो मेन जो पार्ट है वो इनके थोरैक्स और एबडोमिन में प्रेजेंट होता है ब्रेन में केवल जो है हेड पार्ट जो है वो केवल सुप्राइसोफेगल गैंगलियॉन प्रेजेंट होता है सुप्राइसोफेगल गैंगलियन याद रखना है आगे आया ब्रेन जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वो एक गैंगलियन है जिसे सुप्राइसोफेगल गेंग्लियन कहते हैं और वो हेड रीजन में पाया जाता है तो मोस्ट ऑफ द गैंगलियन जो है वो थोरैक्स और एपडोम में होते हैं और इसीलिए इनके हेड को अगर कट कर दो तो भी ये वन वीक तक अलाइव सरवाइव कर सकते हैं सो so, लिखा है एंड दैट इज वाई इफ द हेड ऑफ कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल स्टिल बी अलाइव फॉर एज लॉन्ग एज अबाउट वन वीक ठीक है एक हफ्ते तक ये जिंदा रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कट करके देखो ये एनसीआरटी में लिखा हुआ है और ये क्वेश्चन में आता है ठीक है सो उस हेड रीजन में सुपराइसोफेगल गैंग्लियन पाया जाता है और ये सुपराइसोफेगल गैंग्लियन कहाँ कहाँ सप्लाई करता है एंटीना को सप्लाई करता है क्या सप्लाई करता है सेंसेशन सप्लाई वहाँ से सिग्नल को रिसीव uh, भी करता है और रिस्पॉन्स भी देता है एंड कंपाउंड आइज इन कॉकरोच दीज सेंस ऑर्गन आर एंटीना कॉकरोच में क्या है सेंस ऑर्गन उनके एंटीना होते हैं आइज़ होते हैं मैग्जिला में इनके जो सेंसरी पार्ट हैं जिन्हें मैगजिलरी पल्प कहा जाता है लेबियल पल्प एनल सरकाई एक्सेट्रा ये इनके सेंसरी ऑर्गन होते हैं कंपाउंड आइज की बात करें जो फोटो रिसेप्टर स्ट्रक्चर है हम बात करेंगे जो विजुअलाइजेशन में या साइट में इंपॉर्टेंस रखता है सो कंपाउंड आइज होती हैं कंजिस्ट ऑफ दे आर प्रेजेंट ऑन डोर्सल सरफेस ऑफ हेड हेड के डोर्सल सरफेस पे पाई जाती हैं ईच आई कंजस्ट ऑफ टू थाउजेंड हेक्सागोनल ओमाटीडिया दो हजार हेग्जागोनल एक दूसरे से हनी कॉम पैटर्न में अरेंज पाया जाता है हनी कॉम पैटर्न यानी मधुम मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसमें आप देखेंगे हेक्सागोनल वहाँ पे कंपार्टमेंट बने होते हैं वैसे ही हेक्सागोनल कंपार्टमेंट ये ओमेटीडिया पाए जाते हैं एक आंख में 2000 हजार तो टोटल एक कॉकरोच में 4000 थाउजेंड मिलेंगे और हर एक यूनिट को बोलते हैं ओमाटीडियम और आ, पुल, उसके प्लूरल जो फॉर्म है उसे ओमाटीडिया कहते हैं और हर एक ओमाटीडिया का अपना अलग ऑप्टिकल एपरेटस होता है हर एक हर एक ओमाटीडिया अपनी अलग इमेज फॉर्म करता है तो जहां भी ये देखेंगे उन उस अलग अलग ओमाटीडिया के सामने का जो पार्ट होगा उसकी इमेज उस ओमाटीडिया में बनेगी तो बहुत सारी इमेज बनेगी जितने ओमाटिडिया हैं उतनी इमेज बनेगी और इतनी इमेज को ये क्या करते हैं ये एडजस्ट करके फिर एक पिक्चर को विजुअलाइज करते हैं तो हर एक इमेज अलग अलग पिक्सल की तरह काम करती है तो सेवरल स्मॉलर इमेजेस छोटी छोटी बहुत सारी इमेजेस बनती हैं और इसे मोजैक विजन कहा जाता है मोजैक विजन मोर सेंसिटिव बट लेस रिजोल्यूशन ठीक है uh, ज्यादा सेंसिटिव होता है ज्यादा इमेजेस बनती हैं लेकिन हर एक इमेज के पिक्सल थोड़े छोटे छोटे हैं तो रिजोल्यूशन कम पाया, पाया जाता है रिजोल्यूशन लेस पाया जाता है बींग कॉमन ड्यूरिंग नाइट हेल्प इन नॉक्टर्नल विजन ठीक है नाइट में हेल्प करने में ये हेल्प करता है नाइट को विजुअलाइज करने में नाइट को रात में देखने में हेल्प करता है कौन इनके जो कंपाउंड आइज होते हैं और उसी की वजह से इनमें नॉक्टर्नल विजन पाया जाता है फिर बात आती है रिप्रोडक्शन की बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट यहां से शुरू होता है हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो कॉकरोच में पहले हम बात करेंगे किसकी मेल की बात करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग फीमेल की बात करेंगे ठीक है so, सो कॉकरोच में हम बात करें मेल में सो so, कॉकरोच इज डायशियस डायशियस मतलब बाइसेक्शुअल नहीं होते हैं ये यूनिसेक्शुअल होते हैं मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं ठीक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में पाया जाता है मेल रिप्रो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग बॉडी में पाया जाता है तो हम बोल सकते हैं सेक्सुअल हमें देखने को मिलता है यानी मॉर्फोलॉजिकली मेल अलग होते हैं और फीमेल अलग होते हैं बोथ हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस लाइन ऑन ईच लेटरल साइड बिटवीन फोर टू सिक्स सेगमेंट तो हम बात करेंगे इन सभी सेगमेंट्स की और यहाँ पर हम इस डायग्राम को डिस्कस करते हुए चलेंगे ठीक है तो बात आ रही है यहाँ पर कि अ पेयर ऑफ टेस्टिस लेटरल साइड ऑफ फोर टू सिक्स सेगमेंट ठीक है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो हमें देख रहे हैं यहाँ पे फोर से लेके सिक्स सेगमेंट तक ये पाया जाता है फिर बात करते हैं फ्रॉम ईच टेस्टिस थिन वाज डिफरेंस अराइज हर एक टेस्ट से थिन वाज डिफरेंस अराइज हो रही है ठीक है इजेकुलेटरी थ्रू सेमिनल सेमिनल तो ये एग्जैक्टली exactly, यहां पर उसका डायग्राम जो है वो क्लियर नहीं है सेमिनल वेसाइकल इस स्ट्रक्चर के पीछे प्रेजेंट होता है तो सेमिनल वेसाइकल में ओपन होते हैं और फिर उसके बाद ये इजेकुलेटरी डक्ट में ओपन होते हैं टेस्ट इसमिनल वेसाइकल और सेमिनल वेसाइकल के बाद ये

कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशरूम शेप ग्लैंड इज प्रेजेंट इन सिक्स टू सेवन सेगमेंट विच फंक्शन एज एन एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड तो एक कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इनमें एक मशरूम ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है ठीक है इनमें एक मशरूम शेप की ग्लैंड प्रेजेंट होती है और उस वो मशरूम शेप की ग्लैंड जो है वो क्या कर रही है मशरूम शेप की ग्लैंड वो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की तरह काम कर रही है ठीक है आगे आते हैं इसको देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटेलिया एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिप्रेजेंटेड एक्सटर्नल जेनेटेलिया आर रिप्रेजेंटेड बाय मेल गोनेपोफाइसिस जो इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है ठीक है वो किसकी तरह है मेल गोनेपोफाइसिस की तरह है मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर ठीक है मेल गोनेपोफाइसिस और फेलोमियर तो फेलोमियर हमें राइट फेलोमियर भी मिलता है वेंट्रल फेलोमियर भी मिलता है लेफ्ट फेलोमियर भी मिलता है तो अलग अलग तरह के फेलोमियर पाए जाते हैं जो इनके काइटनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर हैं दैट हेल्प इन कॉपुलेशन ये फीमेल से अटैचमेंट में हेल्प करेंगे कॉपुलेटरी ऑर्गन की तरह काम करेंगे कॉपुलेशन में हेल्प करते हैं द स्पर्म आर स्टोर्ड इन सेमिनल वेसाइकल एंड आर ग्लूड टुगेदर टू फॉर्म अ बंडल कॉल्ड एज स्पेटो स्पर्मेटोफोर्स तो इनके जो स्पर्म सेल्स हैं वो एक सिंगल स्पर्म सेल इंडिपेंडेंट नहीं होते इनके स्पर्म सेल्स का पूरा बंडल होता है और उन बंडल को एक साथ ग्लू कर दिया जाता है और दीज बंडल्स आर ग्लूड बाय जेलेटिनस स्ट्रक्चर जेलेटिनस सब्सटेंस और जेलेटिनस सब्सटेंस से ग्लू uh, करने के बाद इनका एक पूरा बंडल बनता है और उस बंडल को स्पर्मेटोफोर्स बोलते हैं। तो एक स्पर्म अकेला रिलीज नहीं होता पूरा का पूरा बंडल रिलीज होता है और उस बंडल को क्या बोलते हैं स्पर्मेटोफोर ये पॉइंट याद रखना व्हिच इज डिस्चार्ज विद कपुलेशन तो जब कपुलेशन होगा तो ये डिस्चार्ज होंगे यानी जो हमारे में इजैकुलेशन होता है इनमें डिस्चार्ज ऑफ स्पर्मेटोफोर होता है जो ह्यूमंस में इजैकुलेशन होता है इनमें डिस्चार्ज ऑफ स्पर्मेटोफोर्स होता है फीमेल की बात करें फीमेल कंजिस्ट ऑफ टू लार्ज ओवरीज फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में हमें दो लार्ज ओवरीज मिलती हैं ठीक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखते हैं तो हमें दो लार्ज ओवरीज मिलती हैं, ये लेफ्ट और राइट ओवरी और ये ओवरीज बनती हैं किसे दे आर प्रेजेंट बिटवीन पहले तो सेगमेंट बात करते हैं टू टू सिक्स ऑफ एपडोम सेगमेंट एपडोम में सेकेंड सेगमेंट से सिक्स सेगमेंट के बीच में ये पाए जाते हैं ईच ओवरी इज फॉर्म बाई ग्रुप ऑफ एट ओवेरियन ट्यूब्यूल्स या तो इन ओवरीज में हमें हर एक ओवरी में एट ओवेरियन ट्युब्यूल्स मिलती हैं जिन्हें ओवेरियोल्स कहा जाता है और ये फ्यूज करके ओविडक्ट का फॉर्मेशन करती है तो जितनी ओवरी हर एक ओवरी की अपनी अलग ओविडक्ट और ओविडक्ट फ्यूज करके कॉमन ओविडक्ट या वेजाइना बनाती हैं तो दो ओविडक्ट फ्यूज करके कॉमन ओविडक्ट या वजाइना बनता है ठीक है ये पॉइंट को याद रखना है सिंगल मीडियन विच ओपन इन टू दैम्बर और ये कहा ओपन होता है genital chamber में. तो यहां पर हमें ये अंदर जो है ये व्हाइट कलर का जेनाइटल चैम्बर मिल रहा है ठीक है और बात करते हैं अ पेयर ऑफ स्पर्मेथिका इज प्रेजेंट इन सिक्स सेगमेंट विच ओपन ऑल्सो इन जेनाइटल चैम्बर तो स्पर्मेथिका यहां पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है वो भी सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और वो भी ओपन होता है जेनाइटल में ये भी बात हमें याद रखनी है। स्पर्म आर थ्रू स्पर्मेटोफोर तो स्पर्म जो है बंडल के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं और उस बंडल को हम पूरे को स्पर्मेटोफोर कहते हैं देयर फर्टिलाइज एग आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिका तो जो एग होते हैं जब वो फर्टिलाइज होते हैं तो फर्टिलाइज होने के बाद वो एक वॉल के अंदर होते हैं और उस वॉल को उथी का कहते हैं तो सभी फर्टिलाइज एग जैसे स्पर्म सेल्स एक साथ बंडल के फॉर्म में रिलीज हुई थी वैसे ही जो फर्टिलाइज एग है वो भी एक पूरे बंडल के फॉर्म में रिलीज होते हैं और उस पूरे बंडल की जो वॉल है वो का कहला कहती, कहलाती है डार्क रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन कैप्सूल ठीक है कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर फर्टिलाइज एग होते हैं अबाउट एट मिलीमीटर लॉन्ग एट मिलीमीटर लॉन्ग ये पाई जाती है कैप्सूल जिसके अंदर फर्टिलाइज एग प्रेजेंट होते हैं तो एग भी जो है ना एक सिंगल एग रिलीज नहीं होता पूरे एग का एक कैप्सूल रिलीज होता है एंड दे आर ड्रॉप्ड और रिलीज्ड ग्लूड टू सूटेबल सर्फेस इनको ड्रॉप किया जाता है या जहाँ पर भी एग के फर्टिलाइज एग की ग्रोथ की रिक्वायरमेंट है उस सर्फेस से इनको अटैच कर दिया जाता है ग्लू कर दिया जाता है यूजअली कहाँ पर यूजअली क्रैक और सर्विक्स ऑफ हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी नियर अ फूड सोर्स तो ऐसी जगह पर इन कैप्सूल को ये कॉकरोचेस ड्रॉप करते हैं जहाँ पर जब इनसे इनके जो निम्फ है वो बाहर आएंगे इनके जो लार्वा हैं वो बाहर आएंगे तो वो निम्फ क्या करेंगे उनको आसानी से फूड मिल जाए ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज बात करें अ फीमेल प्रोड्यूस नाइन टू टेन ऊथिका नाइन टू टेन ऊथिका एक एवरेज एक फीमेल रिलीज करती है और ईच ऊथी का कंटेन फोर्टीन टू सिक्सटीन एग्स तो हर एक ऊथिका में हर एक कैप्सूल में फोर्टीन से सिक्सटीन एग्स पाए जाते हैं और नाइन से टेन कैप्सूल ये रिलीज करते हैं तो अगर हम टेन को भी एवरेज मान लें तो सिक्सटीन इन टू टेन यानी 160, ठीक है एग्स एक बार में रिलीज़ होते द डेवलपमेंट ऑफ पेरी प्लाटा अमेरिकाना इज पोरबोलस इनका जो डेवलपमेंट है यानी एग से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है जिसे हम मेटामोर्फोसिस कहते हैं वो कैसा है उसको लिए एक स्पेशल वर्ड दिया गया है पोरोमेटाबोलस पोरोटाबोलस क्या है जो इनमें डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट इनके जो निम्फ है यानी जो एग से जो स्ट्रक्चर इनका जो लार्वा बाहर आता है उसे हम निम्फ कह रहे हैं इनका जो निम्फ है निम्फ इज वेरी मच सिमिलर विथ एडल्ट स्ट्रक्चर सिमिलर है बट उसमें वो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव नहीं है और इस तरह का जो डेवलपमेंट है इसे पोरोमेटाबोलस कहा जाता है सो निम्फ लुक वेरी मच सिमिलर लाइक एडल्ट निम्फ वेरी मच सिमिलर एडल्ट के दिखता है और निम्फ फर्दर ग्रो करता है और ग्रो करके एडल्ट में बनेगा लेकिन ग्रो कैसे करेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं मोल्टिंग या एक्डाइसिस जिसमें निम्फ अपने एग्जोस्केलेटन को शेड ऑफ करता है और नया एग्जोस्केलेटन उसके अंदर से फॉर्म करता है इसे बोलते हैं मोल्टिंग और 13 टाइम्स मोल्टिंग करेगा निम्फ तब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा ठीक है तब वो किस में कन्वर्ट होगा एडल्ट में 13 टाइम्स ये सारे फैक्ट ये याद रखने 14 से 16 एग इन वन तब वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा द नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज हैज विंग पैड बट ओनली एडल्ट कॉक्रोचेज हैज विंग्स तो जो लास्ट स्टेज होगी केवल उसी में विंग्स पाए जाएंगे और सेकेंड लास्ट जो स्टेज होगी उसमें विंग पैड डेवलप हो जाते हैं ठीक है थीके? विंग्स नहीं डेवलप होते विंग्स केवल लास्ट स्टेज में ही डेवलप होते हैं मेनी स्पीशीज ऑफ कॉक्रोचेज आर वाइल्ड एंड आर हैविंग नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या बेनिफिशियल तो है नहीं हार्मफुल है डिजीजेस फैला रहे हैं सो so, बहुत सारी स्पीशीज क्या होती है इनकी वाइल्ड है यानी नेचुरल हैबिटेट में पाई जाती हैं और इनका कोई बेनिफिशियल इंपॉर्टेंस यानी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ है अफ्यू स्पीशीज थ्राइव इन अराउंड ह्यूमन हैबिटेट ह्यूमंस के आसपास का जो हैबिटेट है वहाँ भी कुछ स्पीशीज पाई जाती हैं और ये बेसिकली क्या करती हैं दे स्पॉइल फूड फूड को खराब करते हैं उन्हें कंटेमिनेट करते हैं देयर स्मेली एक्सक्रीटा अपना एक्सक्रीटरी जो वेस्ट है वो रिलीज करते हैं एंड दे कैन ट्रांसमिट अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल डिजीजेस बाय कंटे बाय कंटेमिनेटिंग फूड मटेरियल तो अलग अलग तरह के बैक्टीरियाज को ये फैलाते हैं और फूड को कंटेमिनेट करते हैं जिससे ये डिजीज कॉजिंग होते हैं ठीक है तो ये था कॉकरोच और हमने केवल इसमें बच्चों वही पॉइंट डिस्कस किए हैं जो एनसीईआरटी में और अननेसेसरी मैंने कोई डायग्राम या अननेसेसरी कोई एक्सटर्नल एक्सप्लेनेशन को इन्वॉल्व नहीं किया है क्योंकि उससे हमारा कंफ्यूजन फिर हम लिमिटलेस हो जाते हैं ठीक है लिमिटलेस मतलब हम आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते ठीक है तो हमारा नीट एग्ज़ाम तक ऐसी ही वन शॉट एन की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और आप ज़रूर इस अपना जो ये चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो हमारी फर्दर वन शॉट एन वीडियोस लॉन्च होंगी एक एक करके एक एक टॉपिक को हम एक एक चैप्टर को हम एक क्लास में डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सो ये था कॉकरोच हमारा स्पेसिमेंट जिसको हमें डिटेल में देखना था ये पॉइंट्स याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में एक नए चैप्टर के साथ तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर एंड थैंक यू